कितनी अजीब बात है। हमें अक्सर स्कूल में फिंगर ऑन द लिप्स, चुपचाप बैठो ये कहा जाता है, लेकिन उस स्कूल के बाहर ही जैसे असल दुनिया में पांव रखते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, नौकरी शुरू होती है, तब ये पता चलता है कि कभी भी फिंगर ऑन द लिप्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रह गए, आपने बोला नहीं, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। हर काम का एक दाम होता है। 22 साल के गोविंद ने अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत तारीफें बटोरी। गोविंद के घर में एक तकलीफ ऐसी आई कि उसे पैसे मांगने पड़े। गोविंद ने आज तक कभी तनख्वाह के लिए आवाज नहीं उठाई थी। अब गोविंद को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कब, आखिर मैं इतनी ईमानदारी से अपना काम करता हूं, इस काम की एक कीमत है, वो कीमत मुझे क्यों नहीं दी जाती, आखिर मैं क्या उस दाम के लायक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि गोविंद ने आज तक कभी बोला ही नहीं था। बोलना पड़ता है। बच्चे को भूख लगी है ये मां को तब पता चलता है जब बच्चा रोता है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत सच है। इसीलिए शायद हमें हमारी स्कूल्स में बच्चों को फिंगर ऑन द लिप्स नहीं सिखाना चाहिए। वी शुड रादर टीच देम टू स्पीक। बोलना बहुत जरूरी होता है, हर जगह। आवाज और जबान दी ही इसीलिए है। बस उसे 32 दांतों के बीच में हिफाजत में इसलिए रखा है कि उसे नाप तोल के इस्तेमाल करना होता है। पर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है।